आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि हालांकि इससे पहले भी कई बार उनकी तबीयत की खबरें सामने आती रही हैं। सर गंगाराम अस्पताल में आजम को भर्ती करवाया गया है, लेकिन किस वजह से ये देखिए खबर आपके सामने है, तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन क्या हुआ है उनको ये अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। इससे पहले भी सांस लेने में शिकायत के चलते कई बार उन्हें एडमिट होना पड़ा है, लेकिन ये बड़ी खबर मिल रही है, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उनके जो परिजन है उनको अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए पहुंचे हैं, डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी देखरेख में जुटी हुई है। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़ गए हैं। आमिर, क्या जानकारी है आपके पास आजम खान की तबीयत को लेकर? देखिए, अचानक रात में आजम खान की तबीयत जो है बिगड़ी थी, इसकी सूचना आई थी। इसके बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाने की बात बताई जा रही है। आजम खान को बताया जा रहा है कि हार्निया की दिक्कत थी, उसको भी लेकर उनका ट्रीटमेंट चला था और पैर में भी कुछ दिक्कत हो गई थी। तो कई ऐसी दिक्कतें हैं, हालांकि खुल के ट्रीटमेंट किस चीज का चल रहा है ये बात सामने नहीं आई है, सूत्रों के हवाले से ही ये बात पता चल पाई है। इसी को लेकर आजम खान का ट्रीटमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके चलते उनका वहां पर जो है इलाज चल रहा है और उनको भर्ती कराया गया है। उनके परिजनों की तरफ से कौन कौन अस्पताल पहुंचा है? देखिए, अभी चूंकि देर रात का ये मामला है, अभी खुलकर तस्वीर सामने नहीं आई है कि उनके साथ कौन गया है, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार हैं, परिजन हैं जो उनके साथ अक्सर रहते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं तो उनके साथ वो लोग रहते हैं, वो ही उनके साथ हैं और वहां पर लेकर गए हैं। बिल्कुल आमिर, और डॉक्टर्स क्या बता पा रहे हैं उनकी हालत के बारे में? देखिए, दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल का ये मामला है, अभी डॉक्टर से बात होगी, उसके बाद सारी तस्वीर सामने हो पाएगी कि किस चीज का इलाज चल रहा है और अभी कैसी तबीयत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर इस जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, देर रात का पूरा मामला बताया जा रहा है, जब सर गंगाराम अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाना पड़ा है। हार्निया की शिकायत के साथ साथ और भी कई दिक्कतों से वो जूझ रहे थे, जिसके चलते अस्पताल में एडमिट करवाए गए।